फाइनली यूपीपीसीएल ए नोटिफिकेशन इज आउट और ये न्यू ईयर का पहला नोटिफिकेशन बीटेक के छात्रों के लिए, बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। ये काफी संघर्षों के बाद ये वैकेंसीज दोबारा से फिर से आई हैं, क्योंकि काफी डेढ़ दो हफ्ते से आपका जो है टेक्नीशियंस का धरना चल रहा था, TG2 बच्चों का, जो TG2 एस्पिरेंट्स हैं उनका धरना चल रहा था शक्ति भवन पे। तो कह सकते हैं शायद हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क सरकार को पड़ा हो, और सरकार ये भी जानती है चुनाव आ रहा है तो वैकेंसीज निकालना चाहिए भी, क्योंकि नहीं तो उनकी छवि पर असर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट क्या है, और अंडर इंटरनल नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या बातें ध्यान रखने की हैं। एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं आपको, पिछली डेढ़ महीने पहले लगभग ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, फिर वो नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया था और ये दोबारा निकाला है। खैर, हमें यही बात की खुशी है कि निकाला तो सही। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो टोटल वैकेंसीज बच्चे 113 पोस्ट के लिए ये यूपीपीसीएल ने नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें तीन ब्रांचेस आपकी वैकेंसीज बटी हुई हैं, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक आपका टेली कम्युनिकेशन या ईसी कह लीजिए, और एक कंप्यूटर साइंस। तो तीन तरीके की ये तीन ब्रांचेस की जो वैकेंसीज हैं वो 113 में बटी हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, सबसे ज्यादा वैकेंसीज उन्हीं लोगों की है, 75 बच्चे वैकेंसीज हैं, फिर ईसी की 14 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस की 24 वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहां 75 वैकेंसीज बच्चे इलेक्ट्रिकल की है, 14 वैकेंसीज ईसी वालों की है, और 24 वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस वालों की। इस तरीके से 113 वैकेंसीज हो जाती हैं। अब अगर बात करें किसी ने बीटेक अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो उसके अंदर बाइफिकेशन क्या है, मतलब बटी किस तरीके से है वैकेंसीज, तो देखिए बच्चे 24 वैकेंसीज है अनरिजर्व्ड की, EWS की 7 वैकेंसीज हैं, OBC की 14 हैं, नॉन क्रीमी लेयर की, और 30 SC की, ST की कोई वैकेंसीज नहीं है। बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की, तो 8 बच्चे आपकी क्या कहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक बच्चे EWS की है, नॉन क्रीमी लेयर की 2 हैं, SC की 3 हैं। बात करते हैं बच्चे कंप्यूटर साइंस की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो 12 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 2 बच्चे EWS की हैं, 6 OBC नॉन क्रीमी लेयर की, और SC की 4 हैं। तो इस तरीके से वैकेंसीज बटी हुई हैं हर ब्रांच की। मैं बात करता हूं नोटिफिकेशन को और आगे ले जाने की, तो देखिए एक बात सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये EWS वाले बच्चे, खासकर मैं स्पेशली ये कहूँगा कि आप लोग जो भी EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट बनवाया नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी से चेक करिए कि पूरा जो बनवाने का पैमाना है वो क्या है, ठीक है ना, क्योंकि EWS वालों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है लास्ट में कट ऑफ वगैरह के लेके। तो आप लोग थोड़ा सा जो जनरल कैटेगरी में जो इनकम को लेके जो बार है EWS के लिए, आप लोग चेक करिए कि क्या आप उसमें लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, और फिर जो है इसे ज़रूर बनवाइए, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है बच्चे, कई वैकेंसीज में देखा गया है कि अच्छा खासा कट ऑफ में बेनिफिट मिल रहा है। जब सरकार बेनिफिट दे रही है तो हमें लेने में प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। बात करता हूं इंक्रीज और डिक्रीज, उन्होंने जैसे कि हर कंपनी कहती है कि हम वैकेंसीज के राइट हैं, मैं बढ़ा सकती हूं घटा सकती हूं, और पिछली बार तो उन्होंने कैंसिल ही कर दी थी, ठीक है। तो अब और आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बच्चे पे स्किल 7th पे कमीशन के हिसाब से उन्होंने अपना इंप्रूव किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, जिसमें कि पे ही आपको लगभग 59,500 या कह लीजिए 60,000 लगभग बैठेगी। इसमें फिर आगे बाकी की चीज़ें भी और ऐड होती हैं, DA वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, EA DA बहुत सारी चीज़ें, HA बहुत सारी चीज़ें आपका जो है इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो ये लगभग बैठ भी जाती है 75 तक, आपकी सैलरी बैठ जाती है 70 तक से 75 के बीच लगभग बैठ जाती है। खैर, क्वालिफिकेशन जिसने भी इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रखी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रखी होगी या पावर इंजीनियरिंग से कर रखी होगी, वो बच्चे EE के लिए एलिजिबल है। ईसी वालों के लिए किसी ने भी टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कुछ भी ब्रांच का जो कॉम्बिनेशन होता है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी होगी, वो ईसी के लिए जो है एप्लीकेबल हैं वो स्टूडेंट्स। और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी होगी, IT से कर रखी होगी, और जिन्होंने क्या कहते हैं कुछ भी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या IT का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है उनसे कर रखी होगी, तो वो एलिजिबल है। एक बात यहाँ पर मैं साफ और स्पष्ट बता दूँ, जिन बच्चों की बीटेक की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है वो नहीं भर सकते। आपका जो
इस फॉर्म को भरने तक का लास्ट डेट है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक आप लोगों के पास आपका डिग्री या रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट एटलीस्ट होना चाहिए, चाहे भले प्रोविजनल आप बाद में दिखा दीजिए, बट एटलीस्ट रिजल्ट होना चाहिए। इतना पॉइंट हो सक मैं मान के चलता हूं कि क्लियर होगा आपका। चलिए अब बात करते हैं बच्चे एज की। तो बच्चे 40 साल तक की मैक्सिमम एज आपको अलाउड है और 21 साल से ऊपर, ठीक है, क्योंकि कुछ एक दो स्टूडेंट मेरे से टकराए भी हैं जिनकी एक्चुअली वो डिप्लोमा में टकराए हैं, बीटेक में तो ये तय बात है जिसकी बीटेक हो गई वो 21 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा ना। डिप्लोमा में ऐसा होता है हालांकि कि वो 18 साल से भी कम में डिप्लोमा भी कवर कर लेते हैं वो लोग अपनी एज वेज कम लिखवा के। खैर वो डिप्लोमा का मैटर है, ये बीटेक की बात मैं कर रहा हूँ। 40 साल तक की बच्चे जनरल के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल इसको भर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से 40 के बाद अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो ओबीसी को बच्चे 5 साल की, ठीक है, और आपका बच्चे 5 साल की ही बच्चे फ्रीडम फाइटर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, और एससी एसटी सबको मतलब 5 साल की कैटेगरी इसमें वो रिलैक्सेशन दिया है, 40+5 तो लगभग 45 साल ओबीसी एससी एसटी के लिए हो जाती है, जबकि जनरल के लिए 40 साल इसमें दिया हुआ है। रिजर्वेशन जो चल रहा है जितना भी परसेंटेज गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है उसकी बात है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है इसमें बच्चे वो है क्या प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे यूपी में जहां भी रहते हो बच्चे सेंटर्स इन्होंने कुछ अलॉट किए हुए हैं, आगरा वाराणसी अलीगढ़ अलाहाबाद कानपुर बरेली गाजियाबाद लखनऊ मेरठ झांसी मुजफ्फरपुर वो मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा और एक्सेट्रा भी लिखा है, अगर वो बढ़ाना चाहें तो देख सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, वो एट द टाइम ऑफ फॉर्म जब खुलेंगे तब आप बात उसको देख लीजिएगा। खैर पूरा पैटर्न उन्होंने बताया हुआ है, 75% क्वेश्चन बच्चे उन्होंने साफ बोला है परसेंटेज में दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं दिए पर परसेंटेज में दिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि 100 देंगे क्वेश्चन या उन्होंने ये नहीं कहा 150 देंगे। 75% क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, 10% क्वेश्चन बच्चे आपके जीए जीएस के होंगे या जीए जीके के होंगे, और आपके बच्चे 10% क्वेश्चन बचे आपके रीजनिंग के होंगे एप्टीट्यूड के होंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के होंगे, और आपका 5% क्वेश्चन बच्चे हिंदी के होंगे। तो इस तरीके से 100% का इन्होंने बाइफिकेशन दिया हुआ है, 75, 10, 10, 5, ठीक है। हालांकि जीके जीएस वाले में करंट अफेयर्स भी देखा गया है कि आया है, करंट अफेयर्स भी देखा गया है कि आया है। अब बात करते हैं कि ये जो पैटर्न है इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सिलेबस की बात अगर हम लोग करें, इन्होंने ठीक 2021 का जो गेट का सिलेबस है वो दे दिया है, इन्होंने ज़्यादा मगजमारी नहीं करी, और आजकल एई की वैकेंसीज में ज़्यादा मगजमारी करते भी नहीं है, और खासकर ये यूपीपीसीएल सीधा एक पॉइंट लिखता है, एई वालों के लिए लिखता है कि गेट का सिलेबस पढ़ लेना, डिप्लोमा वालों के लिए लिखता है कि डिप्लोमा का सिलेबस पढ़ लेना, तो वो ज़्यादा हेडेक पालता ही नहीं है, ठीक है। खैर ये 2021 का जो सिलेबस है वो क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इस सिलेबस को इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो गेट की प्रिपरेशन नहीं करते खास उतना सीरियसली, पर एई वगैरह का एग्जाम अच्छे खासा सीरियस नोट पर देते हैं, ठीक है। और बात करें फिर बच्चे इसमें मेन जो चीज़ की आपका फॉर्म कितने का है, तो अभी देखा गया है कि फॉर्म आपका जो है पहले 1000 रुपये का होता था, ठीक है, अब तो कोरोना के बाद से 1180 का फॉर्म होने लगा है, ठीक है, 1180 का फॉर्म होने लगा है जनरल कैटेगरी के लिए भी और बाहर के स्टेट्स के बच्चों के लिए। देखिए बच्चे बाहर के स्टेट्स के बच्चे भर सकते हैं, ये बात इसमें साफ मेंशन है। और दूसरी चीज़ वो लोग जनरल में काउंट होंगे, वो कोई कोटा में काउंट नहीं होंगे, अगर उनका अपने स्टेट में ओबीसी एससी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ काउंट नहीं होगा यूपी में, क्योंकि वो यूपी की तहसील का होना चाहिए काउंट होने के लिए, और यूपी की तहसील का तभी होगा जब किसी का रेजिडेंस यहाँ होगा। बात करते हैं बच्चे एससी के लिए 826 का फॉर्म है। खैर फॉर्म ये आप भर ही देंगे, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं बच्चे ये आप अप्लाई ऑब्वियसली यूपीपीसीएल की साइट पे आप करना अप्लाई शुरू कर देंगे। मेन चीज़ है कि आपका डेट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो बच्चे आपका ये डेट्स हैं, ऑनलाइन सबमिशन जो आपका शुरू होगा वो बच्चे 11 जैन से शुरू होगा 2022 और आपका 31 जैन तक चलेगा, ठीक है। तो लगभग 20 दिन मान लीजिए, मोटा मोटी 20-21 दिन आपको मिल रहे हैं, और आप जो है क्या कहते हैं, मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा, ये चालान वालान की डेट दे रखी है 2 जैन पर, आज की डेट में चालान से कोई भरता नहीं है, तो आप 31 जैन तक अपना पेमेंट करिए और फॉर्म भरिए, दैट्स इट।
टेंटेटिव डेट जो इन्होंने दी है पेपर की, लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी। तो मोटा माटी 20 फेब्रवरी के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका पेपर हो, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पेपर की जो डेट दी है बहुत हद तक सीरियसली आपको लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव है तो इन्हें ज्वाइनिंग दिखानी है, ठीक है। क्योंकि 22 तक अगर ये मान लीजिए लास्ट फरवरी तक पेपर कराएंगे, तो मोटा मोटी ये मार्च तक लास्ट में ज्वाइनिंग कराएंगे, और अपना अप्रैल मई तक चुनाव है, तो इन्हें वैकेंसीज दिखानी भी है कि हम लोगों ने कंडक्ट करा दी है। आगे चलते हैं, नॉर्मलाइजेशन मेथड। बच्चे आज तक ये फॉर्मूला किसी को समझ नहीं आया है, पर हाँ मैंने कईयों बार एक कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी बताया है कि ये नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब कई शिफ्ट्स में पेपर होता है, पेपर अकर्स इन मेनी शिफ्ट, तभी ये नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन का मेन मुद्दा है कि पहली चीज तो ये पेपर भी उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर बच्चे ज्यादा फॉर्म भरेंगे तो कई शिफ्ट में होगा। नॉर्मलाइजेशन अकर ही ऐसे करता है कि आपका उस शिफ्ट में कितने बच्चों के एवरेज नंबर बने, कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने नेगेटिव मार्किंग कितने ज्यादा थे। जिसके ज्यादा नेगेटिव, मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के 100-100 नंबर आए हैं, जस्ट से एग्जाम्पल 100-100 नंबर आए हैं, और ए बच्चे ने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करी है, तो बच्चे नॉर्मलाइजेशन में बी बच्चे के नंबर ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग कम थी। खैर ये कंक्लूजन एक आपको समझाने के लिए, ये वाकई में ऐसा ही होता है नॉर्मलाइजेशन, बाकी फॉर्मूला आज तक किसी को समझ नहीं आया है। गेट 2021 का सिलेबस में एक छोटा सा डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिकल का बच्चे में सिलेबस लेके आया हूं, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं। और जिनको ईसी या सीएस के सिलेबस की जानकारी चाहिए, तो बच्चे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए कमेंट बॉक्स में, और आपकी जो हेल्प होगी वो सिलेबस के द्वारा आपको बताया जाएगा सीएस और ईसी वाले बच्चों के लिए। मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल का डिस्कस कर रहा हूँ। खैर सेक्शन बच्चे मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स का बच्चे आपका सेक्शन रहेगा पेपर में, तो ये ब्रीफली आप लोग देख लीजिए क्या 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 टॉपिक। मैं हर एक टॉपिक तो नहीं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है, आपके सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। बच्चे आपका नेटवर्क थ्योरी या इलेक्ट्रिक सर्किट जिसे बोला जाता है, ईएमएफटी बच्चे आपका रहेगा, ठीक है, ईएमएफटी आपका रहेगा। सिग्नल सिस्टम बच्चे आपका रहेगा, सिग्नल सिस्टम आपका रहेगा। मशीन, इलेक्ट्रिकल वालों की तो जान है मशीन यार। बात करते हैं पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, एनालॉग डिजिटल, और बच्चे पावर ट्रॉनिक्स। ये आपके लगभग 10 सब्जेक्ट बैठ रहे हैं, जिसमें से 9 टेक्निकल के और एक मैथ है पूरा का पूरा गेट का। अब बात करते हैं कि किस में से कितना क्वेश्चन आएगा, ये अमूमन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन्होंने मेंशन ही नहीं किया है। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए यहां पर माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, जो सब्जेक्ट नहीं है मैं उस पर आपको फोकस करना चाहता हूं। जबकि ये पहले गेट में हुआ करता था, 2021 में गेट से हटा है, तो यहां पर भी नहीं है सिलेबस में देखा जाए तो, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आपका सिलेबस में नहीं है, ईएमएफटी पर है सिलेबस में, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज की। बाकी तो इलेक्ट्रिकल के मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो सारे हैं, वो सारे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चे हाउ कैन चंद्र प्रकाश हेल्प यू, हाउ कैन जेनिक हेल्प यू। तो जेनिक आपकी बिल्कुल हमेशा की तरह आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप 1 कदम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए ये ऑफर प्राइस कंडक्ट करा गया है बच्चे, यूपीपीसीएल एई कोर्स का पूरा सिलेबस। सोचिए आपका जो ये कोर्स है वो पूरा गेट सिलेबस पर बेस्ड है, और मात्र केवल 2500 रुपये में बच्चे आपका ये कोर्स है। अब बात आती है कि ये कोर्स में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ आपको ये कोर्स में मिलेगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी, इस सब की बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, कि आप जो डिटेल्ड आपको क्या कहते हैं जो जानकारी है सिलेबस की, वैलिडिटी क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फैकल्टीज सारी इन्वॉल्व हैं उस चैनल पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉपर जवाब पूरा सेटिस्फाइड आपको किया जाएगा, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपके लिए ये जो 2500 की प्राइस है बच्चे, देखा जाए तो बहुत बहुत मिनिमल प्राइस है, क्योंकि सिलेबस गेट के लेवल का है, और केवल 5 जैन तक बच्चे ये ऑफर है, ठीक है। 5 जैन के लिए
5 जैन तक के लिए ये ऑफर है। आप तुरंत जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे आप इसको क्या कहते हैं इस कोर्स को सीरियसली लेके डिटेल पूछिए पूछिए आप क्या कहते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या मिल सकता है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ज़्यादा डिले मत करिए, सोचा विचारी में जितना आप टाइम वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा तो आप एक्ट कर लिया करो तो चीज़ें जल्दी फ्रूटफुल हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू बच्चे एंड हैव अ नाइस डे। होपफुली आप इस वैकेंसी को सीरियसली लेंगे क्योंकि UPPCL AE की वैकेंसी लगभग 2-2.5 साल बाद आई है। ठीक है, मौका हाथ से ऐसे मत जाने दीजिए। तो बच्चों मुलाकात करते हैं, और कोई भी समस्या आए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर सबका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।